जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय एस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महीनों के और दिनों के नाम जो होते हैं उनकी अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो भी छोटी छोटी क्लास में हैं, यानी कि जो अभी संडे मंडे ट्यूजडे ये चीज़ें सीख रहे हैं, या फिर महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च ये सब सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो महीनों के नाम होते हैं उनकी अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होती है और महीने क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को हिंदी में ही नहीं पता होगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो महीने हैं ये कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। और 12 महीनों को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। महीनों का नाम क्या है, देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 12 ही महीने। इनकी अंग्रेजी क्या है, अब हम इनको अंग्रेजी के साथ में पढ़ेंगे। देखिए, जनवरी, तो जनवरी की स्पेलिंग क्या है, J A N U A R Y, क्या हो गया, जनवरी, जनवरी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, फरवरी, फरवरी, तो फरवरी की स्पेलिंग क्या है, FURVRUARY, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फरवरी की स्पेलिंग हो गई। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर क्या है, मार्च, तो मार्च की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MARCH, क्या हो गया, मार्च, ठीक है। अगला है अप्रैल, अप्रैल, तो अप्रैल की स्पेलिंग क्या होगी, APRIL, अप्रैल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मई, तो मई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAY, क्या हो गया, मई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जून, जून की स्पेलिंग हो जाएगी, JUN, क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है। अगला है जुलाई, JULY, जुलाई, ठीक है। जुलाई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, JULY, जुलाई, ठीक है। अगला है अगस्त, अगस्त, अगस्त की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, AUGUST, ठीक है, AUGUST, क्या हो गया, अगस्त। चलिए अगला है सितंबर, सितंबर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SEPTEMBER, ठीक है। सेप्टेम्बर, अंग्रेजी में सितंबर को बोलते हैं सेप्टेम्बर, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ये भी पढ़ सकते हैं सितंबर, ठीक है। चलिए अगला है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OCTOCTOBER, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OCTOBER, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है। अगला है नवंबर, NOVEMBER, ठीक है, नवंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा नवंबर की स्पेलिंग। चलिए अगला है दिसंबर, दिसंबर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DECEMBER, ठीक है, दिसंबर। चलिए ये तो हो गए हमारे 12 महीनों के नाम जो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में हमने सीख लिए हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि जो हमारे दिनों के नाम होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसकी क्या स्पेलिंग होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो पहला दिन होता है रविवार, दूसरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये होते हैं हमारे हिंदी दिनों के नाम, ठीक है। रविवार को आपको पता है छुट्टी होती है, ठीक है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। चलिए ये हो गए हिंदी में, अब इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं कि इनकी स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। तो रविवार, इसको हम क्या बोलते हैं, संडे, संडे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SUNDAY, ठीक है, SUNDAY, क्या हो गया, संडे, संडे की स्पेलिंग हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है, सोमवार, सोमवार की स्पेलिंग हो जाएगी, MONDAY, क्या हो गया, मंडे, ठीक है, MONDAY, मंडे। चलिए अगला है ट्यूसडे,
TUESTUESDAY, ठीक है, TUESDAY, ट्यूजडे, ये हो गया ट्यूजडे की स्पेलिंग। अगला है वेडनेसडे, WEDWEDNES, WEDNESDAY, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, WEDNESDAY, वेडनेसडे। चलिए अगला है थर्सडे, THURS, THURSDAY, ठीक है, THURSDAY, थर्सडे। चलिए अगला है फ्राइडे, FRIDAY, क्या हो गया फ्राइडे, फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार। इसके बाद में शनिवार, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैटरडे, SATURDAY, क्या हो गया सैटरडे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि जो हमारे महीने होते हैं साल में, वो सारे महीनों के नाम हमने सीखे हैं, उनको अंग्रेजी में उनकी स्पेलिंग लिखना सीखी है। इसके बाद में जो दिन होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उनकी स्पेलिंग क्या होती है, ये हम सीख चुके हैं। अगर ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो को हम बना देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।